नमस्कार, मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अलग तरह की कहानी। लॉकडाउन के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है, लोगों का जीना भी मुहाल हो गया है, लोग अपने घरों में बंद हैं। इसके अलावा लॉकडाउन से जो एक सबसे बड़ी समस्या नजर आ रही है वो प्रवासी बिहारियों की है। विभिन्न राज्यों के प्रवासी मजदूर अपने घर लौट रहे हैं। इसी बीच एक मानवीय चेहरा नजर आया है कटिहार रेलवे स्टेशन का। जी हाँ, कटिहार रेलवे स्टेशन पर एक प्रसव पीड़ित महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया है और वह बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। बताया जा रहा है कि कटिहार स्टेशन के पूर्व ट्रेन में ही महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। इसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी कटिहार रेल प्रशासन को दी, रेल प्रशासन ने स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी और मेडिकल टीम समय रहते कटिहार स्टेशन पर पहुंची और ट्रेन में ही महिला का प्रसव कराया गया और उसमें एक बच्ची का जन्म हुआ। जी हाँ, महिला का नाम मिंटू देवी बताया जा रहा है और यह ट्रेन जिर्निया असम से खगड़िया जा रही थी, जहाँ कटिहार स्टेशन में रोककर ही ट्रेन को महिला का प्रसव कराया गया। मौके पर मेडिकल टीम के डॉक्टर सुलोचना कुमारी ने बताया कि उन्हें जैसे ही जानकारी मिली तो उन्होंने पूरे टीम के साथ कटिहार स्टेशन पहुंचे और प्लेटफॉर्म पर लगी ट्रेन में बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है, जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ है। वहीं महिला का नाम मिंटू कुमारी बताया जा रहा है और वहीं इस मेडिकल टीम के कारनामे पर कटिहार के लोग काफ़ी मेडिकल टीम पर काफ़ी प्रसन्न हैं और तालियां बजाकर रेल प्रशासन ने भी मेडिकल टीम का हौसला अफजाई किया है। तो आज के इस खास कहानी के साथ मैं वरुण बाबुल और आप देख रहे हैं जीएसएन।